नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इन दिनों हर तरफ कोरोना वायरस से लोग डरे हुए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सावधानियां बरतने की सलाह दी जा रही है। कोरोना से बचाव को लेकर बार बार हाथ धोने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने, खांसते छींकते समय 1 मीटर की दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने आदि के सुझाव दिए जा रहे हैं। तमाम लोग इससे अपना रहे हैं, लेकिन एक सामान्य सी आदत पर अभी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बैंक, पोस्ट ऑफिस या सामान्य कामकाज के दौरान अपने नोट गिनने की आदत पर गौर नहीं करते। तमाम लोग हाथ से नोट की गड्डी को पकड़कर दूसरे हाथ की उंगली अपनी जीभ पर बार बार लगा देते हैं। यह आदत न केवल संक्रमित कर सकती है, बल्कि पेट में इन्फेक्शन पैदा कर सकती है। डॉक्टरों ने लोगों को इससे बचाव की नसीहत दी है। वैसे तो हर दिन तमाम लोग नोट की गिनती करते हैं। नोट तमाम लोगों के हाथ से होकर गुजरते हैं। इससे इन नोटों में संक्रमण के वाहक होते हैं। ऐसे में वायरल इन्फेक्शन का खतरा होता है। नोट लंबे समय तक डंप है तो नमी के कारण फंगस होने की आशंका भी हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर लोग जीभ से उंगली को छूकर नोट गिनते हैं, इसलिए इससे संक्रमण फैलने की आशंका कई गुना तक बढ़ जाती है। जिले के तमाम बैंकों में नोट गिनने की मशीन लगी है। वहीं मशीनों से नोटों की गिनती कर ग्राहक को दिए जाते हैं, लेकिन बैंकों में ग्राहकों की सुविधा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। काउंटर पर पानी से भीगा फोम नहीं रखा गया है, इससे लोग के नोट गिनते वक्त उंगली जीभ से लगा देते हैं। फिजिशियन डॉक्टर A.M. भास्कर ने बताया है कि जीभ का लार उंगली पर लगाकर लोग अक्सर नोट गिनते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। नोट ऐसी चीज है जिसे हर प्रकार के व्यक्ति छूते हैं। नोट बीमार व्यक्ति के हाथ में भी पहुंचती है। उनसे नोट गिना तो वायरस नोट पर जरूर जीवित रहेंगे, वही नोट दूसरे के हाथ में पहुंचेगा। अगर वह भी जीभ का लार लगाकर नोट गिनेगा तो बीमारी उसे भी हो सकती है। इसके लिए जब भी नोट गिने तो उसे किसी चीज से पानी लेकर इस्तेमाल करें। अगर हाथ से छुए तो तुरंत सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लें या हाथ को साबुन से अच्छी तरह धो लें।